राजस्व पटवारी संघ ने अपने लंबित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए हैं। इससे विभाग के कामकाज पूरी तरह से ठप हो गए हैं। राजस्व पटवारी संघ गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में हड़ताल में बैठे हुए हैं। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व से लंबित मांगों एवं समस्याओं के संबंध में कई बार विभाग को लिखित ज्ञापन दिए गए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होने के चलते आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते हुए राजस्व पटवारी संघ के समस्त सदस्य 1 दिसंबर को एक दिन का अवकाश लेकर जिला मुख्यालयों में सांकेतिक रूप से हड़ताल किए। वहीं 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक समस्त सदस्यों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर कार्य किए। इसके बाद मांगों पर किसी भी तरह की सुनवाई नहीं होने की स्थिति में प्रदेश के राजस्व पटवारी संघ 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारियों के हड़ताल में चले जाने से विभागीय कामकाज ठप हो गई है, साथ ही सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। DNX TV के लिए गरियाबंद से राधेश्याम सोनवानी और रितेश यादव की रिपोर्ट। हम लोग 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रांत स्तरीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और जब तक के मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल समाप्त नहीं होगी। इससे पहले शासन प्रशासन को इसका मांग का प्रतिलिपि दिया गया था, किसी प्रकार के उनके द्वारा आश्वासन या सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने के कारण हम पहले एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किए, उसके बाद 2 तारीख से 13 तारीख तक काली पट्टी लगाकर हड़ताल किए, फिर किसी प्रकार के सुनवाई नहीं होने के कारण 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं।